हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रामायण के बालकांड को संक्षेप में बताऊंगा। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा थे, जिनकी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा नामक तीन पत्नियां थीं। एक दिन जब राजा दशरथ को एहसास हुआ कि वह बूढ़े हो गए हैं और अभी भी निसंतान हैं, तो उन्होंने अपनी व्यथा पारिवारिक गुरु ऋषि वशिष्ठ को बताई और उनसे इसका समाधान पूछा। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ को पुत्र कामटी यज्ञ करने का उपाय सुझाया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया, जिसको ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर राजा दशरथ को पुत्रदायक खीर का पात्र दिया और उसे अपनी तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से राम का, कैकेयी के गर्भ से भरत का तथा सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमार बड़े सुंदर थे और उनमें आपस में बहुत प्रेम था। जहां लक्ष्मण राम के साथ अधिक रहते थे, वहीं शत्रुघ्न भरत के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे। वे चारों जब भी अयोध्या नगरी घूमने जाते, लोग उन्हें देखते रहते और मोहित हो जाते। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम के राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। राम और लक्ष्मण ने ताड़का और सुबाहु जैसे खूंखार राक्षसों को मार डाला और मारिच को बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। रास्ते में ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण सहित उनकी नगरी मिथिला पहुँचे। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, उनका स्वयंवर का आयोजन था। स्वयंवर से पूर्व सीता जी की मुलाकात श्री राम से एक बगीचे में होती है और उन्हें देखकर वह देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि वह राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करे। स्वयंवर के शर्त के अनुसार जो राजकुमार पिनक नामक शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा, उसका विवाह सीता से किया जाएगा। कई राजकुमार कोशिश करते हैं लेकिन विशाल धनुष को हिलाने में भी असफल रहते हैं। अंततः गुरु की आज्ञा पर श्री राम सहजता से दिव्य धनुष उठाते हैं और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, वह टूट जाता है। धनुष के टूटने से ऋषि परशुराम का ध्यान भंग हो जाता है और वे अत्यंत क्रोध में स्वयंवर में आ जाते हैं। वह प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का साहस किया है, उसे वह मार डालेंगे। हालांकि कुछ बहस के बाद परशुराम को भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। वह भगवान से क्षमा मांगते हैं और उनकी जय बोलते हुए तप के लिए वापस जंगल में चले जाते हैं। सीता जी स्वयंवर के नियमों के अनुसार विजय की माला श्री राम के गले में डालती हैं और इस प्रकार उनसे विवाह कर लेती हैं। राजा जनक दशरथ को राम और सीता के विवाह के बारे में सूचित करने के लिए दूत भेजते हैं और उन्हें विवाह समारोह के लिए मिथिला में आमंत्रित करते हैं। राम सीता के साथ साथ भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुति कृति का विवाह भी धूमधाम से रचाया जाता है। कुछ दिन तक जनक का अतिथि ग्रहण करने के बाद राजा दशरथ बारात के साथ अपने नगर अयोध्या लौट जाते हैं।